अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू वीयू प्रोग्रामिंग। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11, CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका मेन टॉपिक जो है वो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। इसके ऊपर सारी डिस्कस होगी आज की डिस्कशन। और सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है ये 6.1 पे। ये 6.1 पता क्या है? आई थिंक ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। उसके अंदर टॉपिक वाइज जो उनसे मैं रेफरेंस बुक दी जाती ना, उसका ये होगा चैप्टर। तो ये हमारे हैंड आउट्स में लेक्चर 11 चल रहा है, तो उधर 6 होगा। रेफरेंस का तो कोई हाथ भी नहीं लगाता मेरे ख्याल से। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारी बात चल रही है सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की। इससे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, स्टैब्लिश हो जाए। उसके बाद हम प्रोसीड कर रहे हैं डिज़ाइन फेज़ पे। तो डिज़ाइन फेज में हमारा जैसे फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है व्हाट टू हाउ, कि किस तरह हमारा सिस्टम अब तैयार होगा। हाउ टू बिल्ड द सिस्टम, ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो शिफ्ट हो रहा है डिज़ाइन फेज पर, जिसमें हम एनालाइज कर रहे हैं सिस्टम को, जो है डिटेल से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इसके एंड में हम जो है वो सारी डिटेल जो हमने रिक्वायरमेंट्स में हासिल की होती है, डॉक्यूमेंट तैयार किया होता है रिक्वायरमेंट्स का, उसको हम डिज़ाइन फेज़ में ला रहे हैं कि कैसे हमारा सिस्टम जो है वो काम करेगा। उसकी एक एक चीज़ डिटेल और एटलीस्ट वन फिजिबल सोल्यूशन जो हम डिफाइन कर लेते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करके रख लेते हैं कि इस तरह हमारा सिस्टम जो ये काम करेगा। तो जो डिज़ाइन एक्टिविटी जो है ये हमें रोड मैप प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हम रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट करें फाइनल प्रोडक्ट बाय डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम टू बी इम्प्लीमेंटेड, कि जो सा सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, कि वो किस तरह अब आपको नज़र आएगा। एक एक चीज़ जो हमने रिक्वायरमेंट में जैसे लिया उसको हम अब पेश कर रहे हैं डिज़ाइन फेज़ में, कि इस तरह जिसका सारा स्ट्रक्चर है इस एप्लीकेशन का। तो अब ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है ये किस चीज़ों पर इंक्लूड है? मॉडलिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड एंटिटीज़, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना, फिर एंटिटीज़ को भी डिफ़ाइन करना, देन फिज़िकल एंड लॉजिकल पार्टीशनिंग ऑफ द सिस्टम इनटू कंपोनेंट्स, ग्रुपिंग करना, यानी कि फिर इंटरफेसेस बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम एज वेल एज इंटरफेसेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड, कनेक्शन डिफाइन करना कि किस चीज़ का कनेक्शन किस चीज़ के साथ होगा, और इसी तरह इंट्रैक्शन आउटसाइड वर्ल्ड बाय जिन चीज़ों के साथ कनेक्टेड होंगी ये, जैसे कि एक्सटर्नल यूज़र होगी या कोई भी ऐसी चीज़ सिस्टम वगैरह कोई हो गया ऑनलाइन वगैरह इधर उधर से जो भी। इसी तरह डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम, ये भी बाद दफ़ा इस एक्टिविटी में आ जाएगा। अभी आगे मैनेजिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, कम्प्लेक्सिटी कौन सी होती है सॉफ्टवेयर की, जैसे कि अब अगर हम कुछ छोटा सा सॉफ्टवेयर जैसा बना रहे हैं उसमें तो ये होगा कि सिर्फ के एक ही बंदा जो है वो सारी चीज़ें उसकी लिख लेगा, रिक्वायरमेंट्स भी तो सारा कुछ डिज़ाइन फेज इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग सब कुछ वो एक बंदे ही कर लेगा। लेकिन जब कम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि अगर बड़ा सॉफ्टवेयर हम क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक बंदे से नहीं बहुत सारे यानी कि उसमें होंगे, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसमें हमें रिक्वायरमेंट्स वगैरह के लिए काफ़ी चाहिए होती हैं आदमी जिनसे रिक्वायरमेंट्स लेनी है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर जो है वो हाई स्केल पे काम कर रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में होते हैं, एक नहीं काफ़ी पर्सन मिल के जो है क्रिएट कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है इसमें हम स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का, तो जो है अंडरस्टैंड करना ईजी होता है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर, वो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जिसमें एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डिटेल से बताई गई हो। कि वेयर इंट्रा लिंकेज कंपोनेंट है ना, इंट्रा कंपोनेंट लिंकेज आर जनरली स्ट्रॉन्गर, मतलब इंट्रा लिंकेज जो कौन सी होती है इंट्रा कंपोनेंट्स, यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना हर आदमी को अलग-अलग टास्क दिया जाता है कि उसने सिर्फ इसी एरिया में रह के अपना काम करना है, वो किसी और के काम में जाके दखलंदाजी नहीं करता। इसी तरह जो है ना हमने एक बड़ा सिस्टम जो है ना उसको पीसीज में डिवाइड करना है। नीचे भी उन्होंने बताया टू मैनेज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ए सिस्टम वी नीड टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न मॉड्यूलैरिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन प्रिंसिपल ने, जिनके थ्रू हमने इसे समझना कम्प्लेक्सिटी को हल करने का मैनेज करना। तो ये तीनों जो प्रिंसिपल जो हैं ये रिलेटेड हैं, ठीक है। एक ही प्रिंसिपल यानी कि एक चीज़ जाहिर कर रहे हैं कि सेपरेशन कर देनी किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क की, जैसे सेपरेशन ऑफ कंसर्न जो है वो हमें अलाउ करता है डील विद डिफरेंट इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम बाय कंसीडरिंग दीज एस्पेक्ट्स इन आइसोलेशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये हमें रेफर करेगा ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड वे, यानी कि हम अलहदा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे सी प्लस प्लस में, जैसे वो जावा में भी है, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं सेपरेट, फिर उनको बाद में उनका मैसेज भेजते हैं, फिर उनसे आंसर लेते हैं। ये यानी कि सेपरेशन, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं ये, ऑब्जेक्ट जो से होते हैं, ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न उसी चीज़ पे फोकस कर रहा है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो डिवाइड हो सकता है स्मॉलर पीसीज में ऑफ लेस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी कॉल्ड मॉड्यूल्स। तो ये मॉड्यूल्स के भी इसमें आ गया। फिर इसके बाद एब्स्ट्रैक्शन भी है। तो ये डिवाइड एंड कंक्वेयर फिलासफी, इसमें यह है कि अगर कोई बिगर प्रॉब्लम है आपके पास, उसे सेपरेटली से में डिवाइड करें, फिर उसको अलहदा अलहदा सॉल्व करें। ये डिवाइड एंड कंक्वेयर फिलासफी है, उसमें बताया गया। और फिर इनको इंटीग्रेट कर दें, इकट्ठा कर दें, एंड देन ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो जैसे कि हमने ये मॉडल बना ले एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के, देन हमें जो है ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न इंडिविजुअल जो है ना, ये प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ कंसर्न, क्योंकि ये डील करता है आइसोलेशन एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स वगैरह से। तो यहाँ पे इसने जो है ना मॉड्यूलैरिटी में इन दोनों को जोड़ दिया है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है, मॉड्यूलैरिटी जो है इसमें मॉड्यूल्स बनाते हैं छोटे छोटे पीस किसी भी सिस्टम के। फिर उसके बाद जो है हम डिज़ाइन प्रोसेस पे आ जाते हैं। इसमें प्रोसेसेस की बात होगी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेसेस। जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है उसका प्रोसेसेस, वो क्या कैसे जो है वो काम वगैरह कैसे करेगा, जैसे हमने रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट में से उसके अलग अलग मॉडल पड़े हैं, इसके भी जो है वो मॉडल हैं डिज़ाइन प्रोसेसेस के। तो ये सिक्वेंशियल प्रोसेसेस नहीं होंगे, इसमें आइट्रेशन भी होंगी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि बार बार हमें जो है वो चेंज भी करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, जैसे जैसे इसमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चेंज की, तो वो चेंज वगैरह आएंगे इसमें, आइट्रेशन होगी इसमें, ये सिक्वेंशियल प्रोसेसेस नहीं होंगे इसमें। तो डिज़ाइन प्रोसेसेस इन्वॉल्व डेवलपिंग ए नंबर ऑफ डिफरेंट मॉडल्स, लुकिंग एट द सिस्टम फ्राम डिफरेंट एंगल्स एंड डिस्क्राइबिंग द सिस्टम एट वेरियस लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो
देन डाटा मॉडलिंग जो है वो एक वो भी एक एक्टिविटी है। इसमें हम जो है डाटा पे काम कर रहे होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा एंटिटी, उसके बाद एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप उनके बीच में, और उनकी एंटिटी तैयार करना सॉफ्टवेयर के अंदर, एंड अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग दिस डाटा। तो ये डाटा मॉडलिंग के अंदर आ रहा है इसकी एक्टिविटी जो हम इसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी हम डिज़ाइन फेज़ के अंदर शो कर सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्ट्रेटजीज, इसमें हम जो है पहले सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस जो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्मॉलर पीसीज में जो है वो डिवाइड करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, एंड देन इंटीग्रेट करना है यूनिट्स को टू अचीव द डिजायर रिजल्ट। तो अब ये दो फंडामेंटल स्ट्रेटजीज जो थी ना, ये इन्होंने डिस्क्राइब किए इधर जो भी यूज़ हो रही है इसमें टू द एंड। दीज आर फंक्शनल नंबर वन, एंड दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन, यानी फंक्शनल और स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ये फंक्शनल और स्ट्रक्चर्ड है। तो फर्स्ट पेज जो है ये फंक्शनल डिज़ाइन जो है ये रिवॉल्व अराउंड फंक्शंस, जैसे कि हम सी में बताया कि मेन फंक्शन होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये मेन फंक्शन जो होता है ये डिकम्पोज होता रहता है स्मॉल फंक्शन जो होते हैं उसके अंदर, जैसे कि मेन फंक्शन जो होता है वो दूसरे फंक्शन में चला जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन रन होगा वो एंड होगा, फिर उसके बाद नया फंक्शन रन होगा। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो फंक्शन के अंदर ही रन करता रहता है। इट डेलीगेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी स्मॉलर फंक्शन, मेन के बाद सी के जो छोटे फंक्शन होते हैं उसके अंदर जाता है, फिर उसके आगे नेक्स्ट, जैसे कि बता रहे हैं मेक्स कॉल टू दिस फंक्शन टू अटेन द डिजायर गोल, फिर देन स्मॉलर फंक्शन इज डिकम्पोज इन टू इवन स्मॉलर फंक्शन, उसके बाद वो मजीद फंक्शन वगैरह में जाता रहता है, यानी कि एक ही फाइल के अंदर वो सारा कुछ रन हो रहा है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक जो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो ना मिल जाए। तो इन्होंने बताया इन दिस डिज़ाइन अप्रोच द सिस्टम स्टेट दैट इज़ डाटा मेंटेन बाय द सिस्टम। सिस्टम स्टेट ये है डाटा जो वो मेंटेन कर रहा है, इज़ सेंट्रलाइज एंड इज़ शेयर्ड बाय दीज फंक्शंस। और डाटा भी जो अगर कि यूज़ है वो भी सब फंक्शन के बीच में रन करता रहता है इधर उधर इधर उधर। तो ये था फंक्शनल और स्ट्रक्चर डिज़ाइन स्ट्रेटजीज, और नेक्स्ट पेज में से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन स्ट्रेटजीज। मिलियन से आपको पता ही होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे पहले भी मैंने बताया कि जैसे सिस्टम जैसे है डिकम्पोज इनटू सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट, ये एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। अगर कोई यानी कि मैसेज भेजते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को तो वो उसका आंसर दे देता है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो से एक क्रिएट हुआ है वो खुद एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसको अगर हम कोई फाइल दे रहे हैं तो वो उसके ऊपर जो सा कंपोजिंग वगैरह जो भी करके वो मैं रिप्लाई उसका दे रहा है, अगर वो फाइल ख़त्म कर दे तो बाकी सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू इम्प्लीमेंट द डिजायर फंक्शनैलिटी। तो इस केस में जो है वो डिसेंट्रलाइज है, सिस्टम स्टेट इज़ डिसेंट्रलाइज, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही वो सिस्टम स्टेट जो कि डाटा हम कह रहे थे पहले। एंड ईच ऑब्जेक्ट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इट्स ओन स्टेट। तो उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्वालिटीज, इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बताया कि ये जो है ना पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है ओवर द स्ट्रक्चर डिज़ाइन अप्रोच, ये ज़्यादा यूज़ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो तभी अब जावा जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है देन सी, क्योंकि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इसलिए। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्वालिटीज, अब हम सॉफ्टवेयर के जो डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं ना उसको हम दो तीन चार डिज़ाइन भी हम बना सकते हैं। एक में हम जो है उसकी मेंटेनेबिलिटी भी फोकस कर सकते हैं, दूसरे में हम उसकी एफिशिएंसी भी फोकस कर सकते हैं, फिर तीसरे पे हम उसकी कॉम्पैक्टनेस पे, चौथे पे रीयूजबिलिटी, इसी तरह उसकी अलग अलग खसूसियात के हिसाब से उसका डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, हर किसी में अलग फंक्शनैलिटी। तो अब जो सा उसका एंड यूज़र है उसे जो सा चाहिए होगा वो आपको बता देगा कि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तो ये वाला मैं डिज़ाइन यूज़ करूँगा। क्योंकि अब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्वालिटी जो सी है डिफरेंट एंगल से देखा जा सकता है, एंड डिफरेंट पैरामीटर कैन बी यूज टू मेजर एंड एनालाइज इट्स क्वालिटी। तो ये पैरामीटर जो है वो एफिशिएंसी है, कॉम्पैक्टनेस, रीयूजबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। तो
एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो एक एंगल से अच्छा नहीं लग सकता आपको, और दूसरे एंगल से हो सकता है आपको अच्छा लग जाए। तो ये देखने के लिए कि एक पार्टिकुलर डिज़ाइन जो है वो अच्छा है या नहीं है, तो वी देयर फोर हैव टू लुक एट द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट की तरफ देखते हैं एंड एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, दोबारा रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं इसमें किस चीज़ पर जोर ज़्यादा दिया गया है, कि इनको क्या चीज़ इम्पोर्टेंट लाजमी चाहिए। अगर हमें डिज़ाइन तैयार करना है एक न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर क्रूज मिसाइल के लिए, तो इसमें हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो से देंगे या फिर हमारा कंसर्न जो था वो है एफिशिएंसी की तरफ, ठीक है, कि सिस्टम जो है एफिशिएंट हो, सही से काम करे। तो सेकंड नंबर पे जो से मेंटेनेबिलिटी भी जो सी वो सेकेंडरी कंसर्न होगा हमारा, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी जो से वो ये है कि हम अगर कई सालों बाद दोबारा जाके उस डिज़ाइन को दोबारा से जिनके क्रिएट करना चाहें, सॉफ्टवेयर वगैरह या एडिट करना चाहें, तो ये हमारा फर्स्ट कंसर्न नहीं है। फर्स्ट कंसर्न ये है कि हमें उसकी एक्यूरेसी चाहिए, एफिशिएंट हो हमारा सिस्टम। तो अब ये है कि मोबाइल जाके निशाने पे लगे, ये ना हो कि हम उसे दोबारा 5 साल बाद के लिए दोबारा मेंटेन करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दें, इसलिए हमें एफिशिएंसी चाहिए। इस हर चीज़ में डिपेंड करता है, जैसे कि बिजनेस सिस्टम में मैंने बताया वी वुड हैव ए रिवर्सल प्रायोरिटी, इसमें हम मेंटेनेबिलिटी पे भी फोकस करेंगे कि हम 3 साल बाद 5 साल बाद अपना सिस्टम चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट लेके आ सकते हैं। नीचे मैंने मेंटेनेबिलिटी भी बताया हुआ है। तो मेंटेनेबल सिस्टम जो है उसका डिज़ाइन में ये है कि वैसे आमतौर पर मैंने बताया कि मेंटेनेंस कंट्रीब्यूट टुवर्ड द मेजर शेयर ऑफ ओवरऑल सॉफ्टवेयर कॉस्ट रहने दी मेंटेनेंस पे, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिज़ाइन की ओवर मेंटेनेबल पे, ठीक है, तो ये हम इसमें वो सिस्टम पेश कर रहे होते हैं जिसमें इजी टू मेंटेन हो, इजी टू मेंटेन। तो एक मेंटेनेबल डिज़ाइन जो है वो है कि जिसमें कॉस्ट ऑफ सिस्टम चेंज इज़ मिनिमल, अगर सिस्टम को चेंज किया जाए उसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा भी ना आए, एंड इज़ फ्लेक्सिबल इनफ टू सो दैट इट कैन बी इजीली अडॉप्टेड टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, कि इजीली हम जो है इसको एडिट कर सकें उसकी फंक्शनैलिटी को, उसके जो है फंक्शन को, एंड कैन ऐड न्यू फंक्शनैलिटीज, इसके अंदर नई फंक्शन भी ऐड कर सकें। अपडेट होती है तो हमें ज़ाहिर बात है सॉफ्टवेयर भी अपडेट रखने चाहिए। इसी तरह फिर फ्लेक्सिबल इनफ कैसे होंगे, अब जैसे हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं ना, वो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, उससे ये होगा कि हम अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एडिटिंग करेंगे ना, हमारे ओवरऑल फंक्शन के अंदर जो सी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर एडिटिंग करेंगे, उसका इनपुट वगैरह जो होगा उसको थोड़ा चेंज कर लेंगे, मतलब पूरे फंक्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए मेंटेनेबल ये समझना है कि चेंज शुड बी लोकल इन इफेक्ट, ये वही बात आ गई लोकल की, कि लोकल ये होगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर, पूरे प्रोग्राम के अंदर नहीं, प्रोजेक्ट के अंदर कोई आगे फाइल होगी उसके अंदर फिर मजीद फाइल, यानी कि उस छोटी सारी फाइल में जाके एडिट करें तो वो इजी होगा हमारे लिए। दिस शुड सच दैट चेंज इन सम पार्ट ऑफ द सिस्टम शुड नॉट अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, कि एक चेंज जो है एक हिस्से में दूसरे को अफेक्ट ना करे, वो तब भी अफेक्ट नहीं करेगा अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। अगर फंक्शनल वाली होगी उसमें हम एक चेंज करेंगे किसी फंक्शन में तो ओवरऑल सारे फंक्शन में हमें चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसे नहीं है। दिस इज़ अचीव्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मॉडुलैरिटी, एब्स्ट्रैक्शन एंड सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, तो ये इन प्रिंसिपल्स के ज़रिए अचीव होगी। तो ये प्रिंसिपल इसी के थे कि छोटे छोटे पीस बना लिए जाएँ कॉम्प्लेक्स सिस्टम के, तो उसके ऊपर ये प्रिंसिपल यूज़ किया जाए। तो इफ अप्लाइड प्रॉपरली दिस प्रिंसिपल लीड द डिज़ाइन दैट इज सेट टू बी मोर कोहेसिव एंड लूजली कपल्ड एंड दस इज ईजी टू मेंटेन। तो ये कोहेसिव एंड लूजली कपल्ड, कपलिंग एंड कोहेसिव, ये जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में मैंने बताया भी होगा ये कपलिंग एंड कोहेजन, ये हम लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतनी, तो भागने से पहले एक काम करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, विजुअल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर देना, और साथ यार कमेंट वगैरह किया करो, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, कुछ भी चवली मार दिया करो, बस ये है कि मुझे इतना पता होता है कि लोग एक्टिव हैं। ओके।
मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।